एग्जाम्पल है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो लुमिनर्स होते क्या है, लुमिनर्स हमारे पास हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जैसे कि कैटल, डियर, बफेलो, गोट, कैमल, जिराफ। ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने फूड को च्यू करने में लगाते हैं, और इसके रिजल्ट में वो एक स्मॉल बॉल से बना लेते हैं। स्मॉल बॉल को हम कट करते हैं जो कंपोज हुई होती है पार्शली डाइजेस्टेड ग्रासेस से जो उस एनिमल ने कंज्यूम की होती है। और ये कहा जाता है कि जो रूमिनेट्स होते हैं ये ईट नाउ और डाइजेस्ट लेटर की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि अभी खा लो लेकिन इसको डाइजेस्ट बाद में करना, क्योंकि ऑफन जब ये चीज़ें खा रहे होते हैं तो इनमें प्रेडेटर्स का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेटजी होती है कि अभी सिर्फ खाई जाओ लेकिन हम इसको डाइजेस्ट बाद में कर लेंगे। और इसी चीज़ में इनको हेल्प करने के लिए इनका जो स्टमक है वो फोर चैम्बर्स में डिवाइड हुआ होता है। अपर पार्ट ऑफ द रूमिनेंट के स्टमक है वो एक्सपेंड हुआ होता है, वो एक लार्ज पाउच बना देता है जिसको रूमेन बोलते हैं, और साथ में एक वो स्मॉल हनी कॉम लाइक रीजन बना देता है जिसको रेटिकुलम बोलते हैं। अब जो लोअर पोर्शन होता है वो डिवाइड हो जाता है ओमेसम में, जो फॉलो करता है ट्रू स्टमक यानी एबोमेसम को। जो रूमेन वाला एरिया वो हाली मस्कुलर होता है और वो उसको एनरोबिक फर्मेंटेशन चैम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि जो एनिमल ने इतनी लार्ज अमाउंट में हर्बीवोर्स को ईट किया था इस रूमेन वाले रीजन में वो हर्बीवोर्स डाइजेस्ट होंगी बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंडेवर्स माइक्रोबियल कम्युनिटी, जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट इंक्लूड होंगे। क्योंकि जैसे ही एनिमल कोई प्लांट मटेरियल हर्बीवोर्स को ईट करता है तो वो उसके स्लैबा के साथ मिक्स हो जाती है और वो उसको फौरन स्वेलो कर देता है विदाउट चेंज, और जैसे ही वो ह्यूमन में इंटर होती है तो वो मटेरियल ह्यूमन में मिक्स होती है विद द माइक्रोब्स, और ये जो माइक्रोब्स है ये कन्वर्ट कर देते हैं उस ग्रास को एक पार्शली डाइजेस्टेड मैस में। फिर ये मैस जो है वो मूव करता है रेटिकुलम पे, जहाँ से वो रिगर्जिकेट होता है एज अ कर्ड की फॉर्म में उनके, यानी जुगाली जिस तरह वो करते हैं एनिमल्स, तो वो दोबारा उनके मुंह में आता है, वहाँ से वो दोबारा उसको च्यू करते हैं और रीस्वेलो कर लेते हैं। जब वो दोबारा ह्यूमन में आता है तो वो बहुत लिक्विफाई हो जाता है और वो फिर ह्यूमन से बाहर निकल के ओमेसा में आ जाता है, और वहाँ से वो होता हुआ एबोमेस में चला जाता है जो उसका ट्रू स्टमक है। उसके ट्रू स्टमक में वहाँ पे उस पर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करती हैं, जिसके रिजल्ट में से उसमें से जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनिमल की ब्लड स्ट्रीम में। जो माइक्रोब्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं वो एक्सट्रीमली डायनामिक होते हैं, इसी वजह से जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली वार्मर होता है दैन द रेस्ट ऑफ द एनिमल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन आपस में म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन शो करते हैं।